జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావిత స్థలే గలేవలంబెలంబితాంభుజంగ తుంగ మాలికాం డమడ్డ మడ్డ మడ్డ మడ్ నినాద వడ్డ మర్వయం చకార చండ తాండవం తనోతు నః శివ శివం శివం శివ శివం శివం. आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि वैष्णो देवी और भैरव बाबा का क्या महत्व है. हम वैष्णो देवी की बात कर रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर जब आप जाते हैं तो आप दर्शन करते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ. इवन नवरात्रि में जब कन्याओं को आदर सत्कार दिया जाता है, घर पे बुलाकर खाना खिलाया जाता है, तो एक लड़के को ही बुलाया जाता है जिसे हम भैरव बाबा मान के चलते हैं. माँ ने नवरात्र के वक्त ही राक्षस का संहार कर अपने भक्तों के कष्ट खत्म किए थे. अब एक्चुअली में वैष्णो माता और भैरव बाबा में लड़ाई भी हुई थी, वही हम आपको बताने जा रहे हैं. हंसाली नाम का एक गांव था जो कटारा के पास में था. वहां मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे. उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण वो बेहद दुखी रहते थे. तो नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलवाया. मां श्रीधर की भक्ति को जानती थी इसलिए कन्याओं के बीच कन्या बनकर बैठ गई. इसी के बाद से ऐसा माना जाता है कि जो भी अपने घर में पूजन करवाता है, कन्या पूजन करवाता है, माँ आशीर्वाद देने उन्हीं कन्याओं में आकर बैठती है. इसके बाद जब सभी चले गए तो माँ वैष्णो ने जो कन्या रूप में थी उन्होंने श्रीधर से कहा कि पूरे गांव को भंडारे के लिए निमंत्रित करें. श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को निमंत्रण दे दिया. श्रीधर ने निमंत्रण तो दे दिया लेकिन उन्हें चिंता होने लगी कि पूरे गांव को भोज कैसे करवाएंगे, क्योंकि ना तो उनके पास धन है और ना ही इतना भोजन. अब आयोजन तो भाई किया गया, भंडारे का निमंत्रण तो सबको भेजा गया. अब गांव के लोग हैरान थे कि आखिर किसके कहने पर इसने सभी को भंडारे का निमंत्रण दिया है और इसके पास इतना धन आएगा कहां से. पर गांव वाले भंडारे के लिए पहुंच गए श्रीधर के घर और श्रीधर ने सबको बिठाया. अब भोजन परोसना शुरू किया. उस पात्र से भोजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था. अब जब कन्या भैरवनाथ के पास गई तो उसने हट किया कि मुझे खीर पूड़ी नहीं, मुझे तो मांस मदिरा चाहिए. माँ ने उसे समझाया कि ब्राह्मण का घर है और यहां ये सब नहीं मिलेगा. अब वो मां से क्रोधित होने लगा और जिद करने लगा. मां समझ गई, क्योंकि मां ही तो वितरण कर रही थी, कि उनसे कपट कर रहा है. मां आगे जाने लगी तो भैरव उनका पीछा करने लगा. भैरव चाहता था कि मां के हाथों उसे मोक्ष मिले, वो मां का पीछा करने लगा. मां ने त्रिकुट पर्वत पर एकत गुफा में प्रवेश कर 9 माह की तपस्या की. जब भैरव वहां पहुंचा तो दूसरे मार्ग से बाहर निकल गई. इसी जगह को गर्भगृह कहते हैं. गुफा से बाहर निकलकर कन्या से उन्होंने देवी का रूप धारण कर लिया और भैरव को गुफा से जाने की चेतावनी दी. माता की रक्षा के लिए हनुमान जी वहां पर स्थित थे और उन्होंने भैरव से युद्ध किया. लेकिन भैरव तो सिर्फ मां के हाथों से मोक्ष पाना चाहते थे, इसलिए हनुमान जी उसे हरा नहीं पाए. तब मां जी ने महाकाली का रूप धारण करके भैरव का संहार किया. तो ये भैरव की और उनकी लड़ाई की कहानी है. तो जब भी आप नवरात्रि में कन्या पूजन करें तो भैरव की पूजा जरूर करनी चाहिए. तो ये उनकी कहानी थी और ये उनकी लड़ाई की कहानी थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था. हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे.
और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे. सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल. थैंक यू.